मंच ते सुशोभित किसान आगू साहिबान पंडाल विच बैठी संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अपना अंदोलन ये संघर्ष 64वें दिन च पहुँच चुके है। तुहानू पता है भई ये अंदोलन पंजाब दे विच चलिया 3 महीने ते हुण 64वें दिन च दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते चल रहा है। और आपां एक निशाना लैके चले हाँ, अपना मुद्दा लैके चले हाँ भई जिहड़े सरकार ने खेती कानून बनाए है उन्हां नूं रद्द करवाउण दा अपना निशाना है। मैं समझदा जदों तो 32 किसान जथेबंदियां एकजुट होईयां फिर संयुक्त किसान मोर्चे दीयां जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां संयुक्त किसान मोर्चा बनिया उदों तो साडा एजेंडा जिहड़ा उह उही है, उहदे च कोई तब्दीली नहीं कीती गई, उहदे च जिहड़ियां मुख मंगां सी उह उही ने भई 3 काले कानून रद्द कराउणे ने, चौथा जिहड़ा पॉल्यूशन दे संबंध विच सरकार ने कानून बनाया 1 करोड़ रुपया जुर्माना किसानां ते उहनां नूं 7 साल की सज़ा उहनूं असीं वापस कराउणा है, ते पंजवां है साडा जिहड़ा बिजली संशोधन बिल है जिहदे तहत जिहड़ी सबसिडी है वह खत्म हो जाणी है ते सेंट्रल सरकार ने जो बिजली बोर्ड है उन्हों अपने कब्जे च लै लेना है। जिस तरह हुण उत्थे बोर्ड बनिया वै उत्थे रेगुलेटरी कमिशन बनिया वै जां जिहड़ियां पावरां पंजाब सरकार कोल ने उह पावरां अपने हथ विच लै लैणियां ने ते उहदे नाल साडी सबसिडी है जिहड़ी उह खत्म कर देणी है जिहड़ी सानूं मिलदी है भावें उह गरीबां नूं मिलदी है भावें उह किसानां नूं मिलदी है। सो साडा निशाना उही है। सो ये मंगा इहदे नाल एक मंग होर भी जो साडी लिख के दित्ती होई है बाकायदा सरकार नूं, एक ये है भी डीजल की कीमत है किसानां लई अधी कीती जावे। एक मंग है स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट लागू कीती जावे। सो उही मंगा ने मैं देखिया कई बारी वीर फोन करदे है मैनू करदे आ जां राजेवाल जी नूं करदे आ, उह फिर उहनां दे सुझाअ हुंदे आ भई देखो जी आ कोऑपरेटिव दा वी सानूं इहदे च वी सुधार चाहीदा, कोई कहिंदा जी आ जिहड़ी पशुआं दी समस्या इहदा वी हल चाहीदा। उह मैं उहनां नूं इही गल कहिंदा वी वीरो आ साडे मुख मुद्दे ने असीं इहनां तों भटकणा नहीं, इस मौके साडा एजेंडा इही है, असीं होर कोई गल नहीं करनी। सो गल तुहानूं पता है वी तुहाडे आगूआं ने इस मंग नूं तुहाडी नूं सरकार दे द्वारे रखिया और सरकार नूं मनाया, सरकार मन चुकी है भी ये कानून ने जिहड़े साथों गलत बने ने साडे तों चूक होई है और उन्होंने ये भी मनिया भी असीं ट्रेड ते कमर्स लई बनाए है किसानां लई नहीं बनाए। पर गल की है भी इस मौके सरकार नूं थुक के चटना औखा होया है। जिस तरह पिछले दिन ही इत्थे रिटायर्ड IAS अफसर आए सी, मैनू गल याद है सरदार बोपर आए जी SS बोपर आए जी जिहड़े इंडिया दे 6 साल इत्थे सैकटरी कैबिनेट सैकटरी रहे, उन्होंने गल कही यह आ जिहड़ी मैं कह रहा भी थुक के चिटन वाली गल, ये उन्होंने कही भी ये सरकार की हुण मजबूरी वाली गल हुई भी है, वह अपनी हतक समझ रही है सरकार। सो वीरो गल ये है भी जदों गल इस मौके सरकार दे गेम पाले च है किसान आगूआं ने उन्हां नूं निरुत्तर कर दिता है। सरकार ये भी कह चुकी है भई इन्हां दे विच शोध करा लो, पर आगू नहीं मने, कहिंदे रीपील कराउणे ने, तुहाडे तक इह गल परपक हो गई है भी असीं वापस करा के रीपील करा के ही जावांगे। सो इस करके तुहाडे आगूआं दी जिहड़ी सेध है वो तुहानूं हमेशा दिंदे रहे ने
ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਥੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਰ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਬਈ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਭੜਕਾਹਟ ਹੋਈ ਆ, ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, RSS ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ, ਬਈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਨੇਮਰ ਬਈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
मैं बेनती करदा जो पिछले दिन ही सानू समस्या आई वह यह है भी जिस तरह आ दोनों तरफा ने मोर्चा साडा दूर तक है तुहानू पता भी 15 किलोमीटर लंबा साडा यह मोर्चा है पर दोनों तरफ जिहड़ियां साडियां सर्विस लेन है इधरली भी इधरली भी खब्बे ते सज्जे दोनों तरफ ये प्लीज कृपा करके इन दे जो आउंदियां ने ट्रालियां वो पिछे उन्होंने इच्छा होंगी है भी असीं एक बारी स्टेज कोले पहुंचीए पर वो फिर इसे रास्तियां दे विच ला लेंदे ने मैं समझदा भी ये साडे वलंटियरां नूं ये गल दी ड्यूटी निभाउणी चाहीदी है बई वो इस तरह का जिथे भी कितें साडे रास्ते च रुकावट आउंदी है वो ना आउण दित्ती जावे सो मैं यही बेनती करदा बई वीरो इस गल तों जिहड़ा भंडी प्रचार मोदी सरकार वल्लों जां आरएसएस वल्लों कीता जा रहा है वो तो असी किनारा करना है असी समझना है भी जो साडे आगू कहिंदे ने असी उस फैसले ते फुल चढ़ाउणे ने सो तुहाडे आगू बहुत सियाणे ने सारे फैसले ने जिहड़े और पूरे बैठ के रिड़क के पूरा उहदा कंक्लूजन कढ़ के वह निचोड़ कढ़ के ही गल करदे ने सो मैं बेनती करदा भी तुहाडी जित यकीनी है विश्वास रखो अपने आगूआं ते जिहड़ा ये तुहानू दिशा निर्देश देणगे उहदे ते ही असीं तैयार रहना है जितर नूं भी तुहानू तोरनगे उसे गल ते फुल चढ़ाउणे ने सो मैं इन्नियां बेनतियां करदा खिमा ज्यादा जाचकां धन्नवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्नवाद जी अगले बुलारे है जिहड़े संदीप सिंह जींद हरियाणे तो है उन्हां तो बाद बाबा कुलदीप सिंह नानकसर वाले उन्होंने गल करनी है तो उन्हां तो बाद एक कलाकार साथी है उन्होंने गीत पेश करना है मोंटी मान जी बेनती मेरी फिर है एक बारी विच दी कि इस मोर्चे नूं दोबारा पैरां सिर करन वास्ते हरियाणे दे सज्जणां ने अहम भूमिका निभाई है सो ये भावना है स्टेज की कि उन्होंने तरजीह देनी है पर मेरी मुश्किल है भी इत्थे 18 पर्चियां वो है जिहड़ियां हरियाणे तो आए सज्जणां दीआं कोई 20 ट्रालियां लिया कोई 25 लिया एक भरा 70 ट्रालियां लेके आया पर यह जिहड़ियां 18 इन्हां दी 18 दी वारी सर वारी आउणी है प्लीज़ वो इदां ना करन भी मैनूं पहलां टाइम दे दिओ सहयोग करो कृपा करके सो हुण संदीप जींद जी 3 मिनट च आपदी गल कहणगे उन्हां तों बाद बाबा जी तैयार रहण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरती पर एक एक कदम चलकर आए हिंदुस्तान की जरखेज मिट्टी के मालिकों मेरे पिता आसमान बुजुर्गों मातृ शक्ति नौजवान साथियों आज मैं आपको एक चीज के लिए बधाई पेश करना चाहता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र के खिलाफ एक बार फिर से आपने आंदोलन को मजबूत किया है आप तमाम लोग बधाई के पात्र हैं सत श्री अकाल नौजवान दोस्तों बुजुर्गों ये वो धरती है जो हमेशा सच के साथ खड़ी होती है परंतु भारतीय जनता पार्टी के मूर्ख लोग शायद इतिहास नहीं पढ़ के आए वो हमारे को डिवाइड करना चाहते हैं जाति और धर्म के नाम पर परंतु साथियों 26 तारीख को जो घटना हुई हम तमाम लोग उस घटना से शर्मिंदा है हमारा आंदोलन खराब हुआ परंतु समूचा राष्ट्रीय बात जानता है कि जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की उन लोगों का किस पार्टी के साथ संबंध थे आप लोगों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है वो लोग एक्सपोज हो चुके देश के सामने साथियों एक बात मैं आप लोगों को करना चाहता हूं 26 तारीख के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली के चारों ओर नेट बंद करके देश के अंदर एक माहौल खराब करने का काम किया है लगातार हमारी सिख कौम को उन्होंने बदनाम करने का काम किया है मैं मानता हूं 2-4 आदमी किसी जाति धर्म के अंदर घटिया हो सकते हैं परंतु 2-4 की वजह से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता अरे इन मूर्खों को क्या पता किस तरीके से सिख कौम ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए चाहे आजादी से पहले की बात हो चाहे आजादी के बाद की बात हो हिंदुस्तान के लिए कितनी लाखों कुर्बानियां दी हैं जो लोग आवाज हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि लोगों ने तिरंगे का अपमान किया
अरे हमारे किसान कौम के बेटे सरहदों से तिरंगे में लिपट के आते हैं, ये मूर्ख लोग हमारे ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। भाइयों, खास करके सिख कौम के भाइयों से मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब से बाबा टिकैत के आंसू आए हैं, हरियाणा का कोई भी आदमी पूरी रात सो नहीं पाया, और उसी रात से हमने प्रण किया या जीवन होगा या मरण होगा, या तो ये काले कानून वापिस होंगे, नहीं तो समूचा हरियाणा पंजाब के भाइयों के साथ, यूपी के भाइयों के साथ दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ है। और साथियों, ये बात बिल्कुल पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि जब हिंदुस्तान के लोग ओलंपिक गेम होता है तो पूरा राष्ट्र हरियाणा पंजाब की ओर उम्मीद भरी निगाह से देखता है कि हमारे भाई मेडल जीत के ले आएंगे और उस तिरंगे को ऊपर रख के आएंगे। परंतु साथियों, ये साजिश को मुंह तोड़ जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के कच्चेदारी लोग बहुत कायर लोग हैं। हमारे बुजुर्गों को मैं आह्वान करना चाहूंगा, ये बार बार हमारे को धर्म और जाति के आधार पर जोड़ना चाहेंगे, परंतु इनके बहकाव में नहीं आना। यह आंदोलन समूचे राष्ट्र के किसानों का आंदोलन है, यह किसी धर्म और जाति का आंदोलन नहीं। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा बात, जिस तरीके से कुछ धर्म जाति के कीड़ों ने इस आंदोलन को खराब करने का काम किया, बुजुर्गों उन गंदे लोगों को जूती की नोक के नीचे रगड़ दो। तमाम नौजवान आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोग हक और सच के लिए यहाँ पर आए हैं। हक सच के लिए जब लोग लड़ते हैं, वो कौमें कभी पीछे नहीं हटती और हमेशा वो कौम जीत के हटती हैं। एक बात मैं आप लोगों को और करना चाहूंगा, खास करके नौजवानों को, जब से घटना हुई है तमाम हरियाणा के नौजवानों ने खट्टर सरकार को बैकफुट पे लाकर रख दिया और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये दिखाया देश को, जो बार बार टीवी के माध्यम से गोदी मीडिया और इनका एक घटिया है सोशल मीडिया दिखाना चाहता था कि आंदोलन खराब हो गया है, टिकैत साहब के साथ थोड़े से लोग बैठे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने दिखाया कोई आंदोलन खराब नहीं हुआ, मजबूती से हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। और साथियों, कोई आपको हिला नहीं सकता, सरकार बिल्कुल डरी हुई है, बैकफुट पे सरकार है। अगर सरकार इतनी मजबूती से होती तो कोई इनको नेट बंद करने की जरूरत नहीं। सरकार घबराई हुई, क्योंकि पूरे हरियाणा से गांव गांव में पंचायत हुई है कि भाई सबने जाना है कि घर से एक आदमी निकलेगा, किसी भी हालात में पीछे नहीं हटना। और भाइयों, आपसे निवेदन है कि ये प्रण करो, या तो जीत के जाएंगे या फिर भाई यहां से हटना ही नहीं है। सब भाई मजबूती से नारामाए, मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोश भरपूर गल कह।